हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2019 से रिलेटेड एक बहुत ही जरूरी अपडेट आ रहा है आपका, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कोर्ट केस एसएससी सीजीएल 2019 पर है, क्या है कोर्ट केस और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये आपका ऑर्डर है जो अभी अभी अवेलेबल हुआ है हमें, जिसमें लिखा हुआ है ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल ब्रांच यानी कि कैट। जो भी एसएससी के केसेस होते हैं वो सबसे पहले कैट में ही रजिस्टर किए जाते हैं। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, ये इसीलिए है एसएससी वगैरह के जितने भी इश्यूज होते हैं वो आपके यहीं पर पहले रजिस्टर किए जाते हैं। तो सुशील गौर एंड अदर्स, बाकी लोगों ने ये केस किया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर, ठीक है। श्री गौरव गुप्ता जो है काउंसिल हैं एप्लीकेंट्स के, और एस एन वर्मा हैं काउंसिल हैं रेस्पॉन्डेंट्स के, यानी कि एसएससी की तरफ से ये वकील हैं और एप्लीकेंट्स की तरफ से गौरव गुप्ता जी वकील हैं। तो इसमें लिखा क्या हुआ है, इसमें लिखा है कि द ग्रीवांस ऑफ द एप्लीकेंट्स इज दैट दे हैड अपीयर्ड इन सीजीएल 2019 एग्जामिनेशन एंड दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड एज सक्सेसफुल। तो इन लोगों ने सीजीएल 2019 के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है और इन्हें सक्सेसफुल डिक्लेयर नहीं किया गया है। दे हैव रेज्ड द ऑब्जेक्शंस दैट नॉर्मलाइजेशन टू द मार्क्स ऑफ एप्लीकेंट्स इज नॉट प्रॉपरली डन। यानी कि इसमें इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया है कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो प्रॉपरली नहीं किया गया है, जिसको लेकर काफी सवाल खड़े भी हुए थे जब रिजल्ट आया था। बीइंग अग्रीव्ड बाय दैट द एप्लीकेंट्स हैव अप्रोच्ड दिस ट्रिब्यूनल बाय फाइलिंग दिस इंस्टेंट ओए। तो ये इन्होंने एक केस फाइल किया है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो कि कैट की कोर्ट होती है, जिसमें इसी एसएससी के जितने भी केसेस होते हैं वहीं पे होते हैं, कि नॉर्मलाइजेशन पे सवाल उठाते हुए उन्होंने ये केस दाखिल किया है और उसमें कहा है कि केस जो नॉर्मलाइजेशन है वो सही से नहीं किया गया है। आगे वो इशू नोटिस की इशू की गई है कि श्री एस एन वर्मा लर्न्ड काउंसिल फॉर रिस्पॉन्डेंट्स हु अपीयर्स ऑन एडवांस इन्फॉर्मेशन अपीयर्स एक्सेप्ट्स नोटिस। उन्होंने इस नोटिस को एक्सेप्ट किया है। ही सीक्स एंड इज अलाउड 3 weeks टाइम टू फाइल रिप्लाई। यानी कि एसएससी को 3 हफ्ते का समय दिया गया है रिप्लाई को फाइल करने में। 3 हफ्ते में एसएससी को जवाब दाखिल करना है कि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन कैसे किया है, और अगर कोई कमी इनको लग रही है तो उसको पूरी तरीके से इन्हें संतुष्ट करना है कि आपने किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया है और किस तरीके से प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। आफ्टर रिसीप्ट ऑफ द रिप्लाई दिस ट्रिब्यूनल विल कंसीडर द इशू ऑफ ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ। तो अगर जब ये एसएससी अपना जवाब दाखिल कर देगी उसके बाद ही कोर्ट आगे कुछ भी प्रोसीडिंग करेगी और कोई भी आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये मैटर 7/7/2021 को, यानी कि आज ही ये रजिस्टर किया गया है, ठीक है। अब देखिए, इसका मैं आपको समझा दूं कि इसमें बेसिकली होगा क्या। कुछ भी नहीं है इसमें, कोई भी डरने वाली बात नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है जिससे जो भी एसएससी सीजीएल 2019 के बच्चे हैं उनको कुछ भी परेशान होने वाली बात हो, कतई परेशान होने की बात नहीं है। सिंपल सा केस है, देखिए बीइंग एन एस्पिरेंट ये उनका भी हक है कि वो कोर्ट जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी भी एस्पिरेंट को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है, तो वो बिल्कुल कोर्ट जा सकता है एंड कोर्ट में उस पर जवाब मांग सकता है। तो वही काम इन छात्रों ने किया है, उन्हें ऐसा लगता है कि नॉर्मलाइजेशन ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया है और कोर्ट ने एसएससी से जवाब मांगा है कि आपने नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया है। तो इस केस में कुछ खास नहीं होगा, एसएससी अपना जवाब दाखिल कर देगी कि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया है, क्योंकि एसएससी की वेबसाइट पे इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, ओपन फॉर्मूला है कि इस फॉर्मूले के जरिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। आप वो वीडियो मेरे चैनल पर देख भी सकते हैं, आप सर्च कीजिएगा नॉर्मलाइजेशन एक्सप्लेन बाय अमन त्रिवेदी, आपको मेरा वीडियो मिलेगा, उसमें मैंने समझाया भी है कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करा है। तो वो एसएससी बता दे कि हमने इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया है। बस पेंच यहां फंसता है कि कोर्ट अगर बहुत सीरियसली लेती है इस मैटर को तो वो ये बता सकते एसएससी से ये कह सकती है कि आपने अगर इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया है तो उसमें आपने ये भी मेंशन किया है कि आप हर शिफ्ट में बराबर बच्चे बैठाएंगे, तो जो कि यहां पर फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इस पे थोड़ा सा पेंच फंस सकता है। अब वो वकील साहब पे डिपेंड करेगा, एडवोकेट साहब पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से इन सारी चीजों को हैंडल करते हैं, क्योंकि वो प्रो हैं, दिस इज द एक्सपर्टीज ऑफ देयर, ये वो इसमें एक्सपर्टीज है, उनकी एक्सपर्टीज है, वही अच्छे से देखेंगे कि इसमें हमें क्या करना है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार का स्टे हो सकता है या कोई भी आगे के डिले हो सकता है रिजल्ट में या किसी भी चीज में। तो नॉर्मल सा केस है जो कि फाइल किया है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बच्चों का उनका अधिकार है तो वो उन्होंने फाइल किया, बाकी इसमें कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ स्टे होगा या कोई भी किसी भी तरीके की आगे की दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि एसएससी अपना जवाब दाखिल कर देगी और अगर कोर्ट संतुष्ट हो जाती है तो मैटर वहीं क्लोज हो जाएगा। बाकी डिपेंड करेगा कि एसएससी अपना जवाब कितना अच्छे से दाखिल करती है,
तीन हफ्ते का समय मांगा है। अब देखना होगा कि ये तीन हफ्ते में भी रिप्लाई फाइल करते हैं या नहीं, क्योंकि कई बार सरकारी संस्थाओं की ये टैक्टिक होती है कि वो डिले कर दें इसको, तीन हफ्ते से ज़्यादा का समय मांग लेंगे और उसके बाद फिर और इसको डिले करते जाएंगे और तब तक वो रिजल्ट जारी कर देंगे। ये भी सरकारी एजेंसियाँ करती हैं। हालांकि ये मेरी सारी हाइपोथेसिस है, बाकी मैंने आपको बता दिया किस तरीके का केस है और क्या है। अनअकैडमी पर मेरा पैरा जंबल क्लोज टेस्ट और आरसी का बैच चल रहा है, दोपहर के 3 बजे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स है, रात के 8 बजे इसमें हमारी क्लास हो रही है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव और नरेशन का कोर्स 23 जुलाई से शुरू होगा, रात के 8 बजे आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का बैच आप 15 जुलाई से ज्वाइन कर सकते हैं, दोपहर के 3 बजे इसमें हमारी क्लास होगी। इसके अलावा डेली एक फ्री क्लास हमारी चल रही है जिसमें शाम को 5 बजे हमारी फ्री क्लास होती है, तो आप लोग टाइम नोट कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको इंग्लिश की क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इस क्लास को डेली ज्वाइन करिए, यहां से आपकी अंग्रेजी मजबूत होगी। इसमें हम लोग इंग्लिश के मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। और अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप मेरा रेफरल कोड AMANT इस्तेमाल करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 7800 रुपये का है और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 6500 रुपये का है, जिसपे 10% डिस्काउंट लेकर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे अनअकैडमी पर बैचेस हैं, इन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर एक बहुत ही अच्छा सा ऑफर चल रहा है, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। आप मेरा रेफरल कोड AMANT का इस्तेमाल करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं और 5850 पे ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और 7020 पे आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। CET की प्रिपरेशन यानी SSC और बैंक दोनों का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने एक्स्ट्रा और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 12 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। 8000 रुपये का 1 साल का और 10000 रुपये का 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा मेरा रेफरल कोड यूज करने के बाद। सो आप इन सारी ही चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मैंने आपको इस केस के बारे में बता दिया, पूरी जानकारी आपको दे दी है। एक सिंपल सा केस है जिसमें बच्चों ने नॉर्मलाइजेशन पे सवाल खड़ा किया है, SSC को जवाब देना है 3 हफ्ते में कि क्या होगा और जो भी चीजें इसमें होंगी वो SSC आपको 3 हफ्ते में कोर्ट में जवाब दाखिल कर देगी और हो सकता है कि मैटर वहीं क्लोज हो जाए। अगर SSC कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देती है तो चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि इससे किसी रिजल्ट में या एग्जाम प्रोसेस में डिले होगा, इसकी कोई मुझे गुंजाइश नहीं लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।